बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये वो सीढ़ी है जी जिसके जरिए काबा के अंदर दाखिल होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूँ आफ्ताब डोगरा और आज आप लोग इस वीडियो में इस सीढ़ी के बारे में जानने वाले हैं। इस सीढ़ी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज दी गई हैं, इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है और इसका वजन कितना है। सबसे पहले हम इस लाइट से शुरू करते हैं। ये वो लाइट है जब काबा का दरवाजा खोला जाता है तो काबा के अंदर इस लाइट के जरिए रोशनी दी जाती है और उसके बाद काबा के अंदर दाखिल होते हैं। और उसके बाद ये दो बॉक्स हैं, इन दो बॉक्स में से एक बॉक्स में काबा के अंदर सफाई सुथराई करने का जितना भी सामान है इस बॉक्स में रखा जाता है और दूसरे बॉक्स में एयर कंडीशन फिक्स किया गया है। तो इस सीढ़ी के अंदर एयर कंडीशन भी है। और उसके अलावा ये जो इसकी लकड़ी है, दुनिया की बेहतरीन लकड़ियों में से एक लकड़ी है जिसके साथ इस सीढ़ी को तैयार किया गया है। और ये जो सीढ़ी है टोटली रिमोट कंट्रोल है। आप देख रहे हैं हमारे एक भाई ऊपर खड़े हैं, उनके हाथ में सारा इसका कंट्रोल है। और इस सीढ़ी का जो वजन है 6.5 टन इसका वजन है। बहुत ही मालूमती वीडियो है, अगर आप लोगों को पसंद आई है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जजाकल्ला।